नमस्कार दोस्तों, सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब ज्ञान बनारस में। और मैं सब मौजूद हूँ कजाकपुरा पे। दोस्तों आज आपको दिखाने वाला हूँ कजाकपुरा में जो आरबी बन रहा है उसका कार्य कितना पूरा हुआ, इसमें कार्य की क्या वर्तमान स्थिति आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बने रहेगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। दोस्तों को बाइक करें तो पूरा नजारा दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इसमें कजाकपुरा चौराहे पर दोस्तों आज आपको दिखाने वाला हूँ कजाकपुरा में जो पूर्वांचल का सबसे ऊंचा और लंबा जो आरबी बन रहा है उसका इस समय कार्य की क्या वर्तमान स्थिति आपको दिखाने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं सामने आपका कजाकपुरा क्रॉसिंग है जो कि बंद कर दिया गया है। और यहां पे देखिए, देख रहे हैं ना, यहां भी ये सब पूरा डाल दिया गया है। बस देखिए ये आखिरी वाला पिलर जो कि ढाला जा रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पर ऊपर देखिए आपका जो कि ढलैया भी कर दिया गया है। देखिए दोस्तों अब जो कि कजाकपुरा क्रॉसिंग से लेकर आपका तेलियाने फाटक तक पूरा पिलर का जो कि ढलिया कर दिया गया है। अब देखिए ऊपर का कार्य चलेगा, ब्रिज के ऊपर का कार्य अब चलेगा। आपका पिलर पूरा ढाल दिया गया है और जो ये रोड है ना ये भी पूरा आपका ढाल दिया गया, अब ऊपर का कार्य चलेगा। और दोस्तों आपको बता दूँ कि कजाकपुरा पर दो जो कि अंडर पास टनल बनाए जा रहे हैं, एक आपका इधर है जो कि कुनिया वाले रोड पर है और एक आपका उधर यहाँ पर आपका तेलियाने फाटक है वहाँ पर बनाया जा रहा है। गोलगड्डा के बीच में दो जो टनल बनाए जा रहे हैं, एक तो बनकर तैयार हो गया और दूसरा का कार्य चल रहा है। तो आपको दोनों टनल का अपडेट दूंगा तो वीडियो बने रहेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इसमें तेलियाने फाटक के पास हूँ और सामने देखिए आपका तेलियाने फाटक है और देखिए यहाँ पर बन रहा है दूसरा टनल जो कि रेलवे ट्रैक के नीचे से होते हुए उस पार निकलेगा। देख रहे हैं यहाँ पे ये रेलवे लाइन था, देखिए बीच में पूरा खोला गया है, देख रहे हैं वहाँ पर गड्ढा है और देखिए उस तरफ और वहाँ पर भी देखिए आपका पटरी दिखाई दे रहा है। दो लाइन, ये दो लाइन आपका खुलेगा जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो इसको भरने के बाद फिर देखिए आगे खोला जाएगा पार्ट बाय पार्ट। देख रहे हैं यहाँ पर पूरा गड्ढा किया गया है और काफ़ी तेज़ गति से यहाँ पर कार्य चल रहा है। देख रहे हैं ना यहाँ पर पूरा दीवार उठेगा इसके लिए यहाँ पर देखिए गड्ढा किया गया है। देखिए इधर आपका यहाँ पर देखिए आपका मशीन लगा हुआ है, देख रहे हैं ना काफ़ी ज़बरदस्त कार्य चल रहा है। इधर देखिए नीचे देख रहे हैं, देखिए नीचे आपका पूरा बेस ढाल दिया गया है। देख रहे हैं ना आपका पूरा बेस ढाल दिया गया है और ये रास्ता आपका सीधे देख रहे हैं गोलगड्ढा वाला रोड है, कजाकपुरा गोलगड्ढा वाला रोड देख रहे हैं। देखिए उधर आपका बनेगा एंट्री गेट पेड़ के पास और ऐसे होते हुए ये आपका रेलवे ट्रैक के नीचे से होते हुए उस पार निकलेगा। देख रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त कार्य चल रहा है। देखिए यहाँ पर पिलर को ढाला जा रहा है, और देखिए उधर आपका पूरा मटेरियल वो गिरा हुआ है सरिया हो। और देखिए जब ये टनल बन जाएगा ना तो जाम से जो कि समस्या खत्म हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए आपका तेलियाने फाटक जो है वो भी बंद होने वाला है। कजाकपुरा बंदे कर दिया गया है, अब तेलियाने फाटक बचा हुआ है ये भी जो कि आपका रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दिया जाएगा जब ये टनल चालू हो जाएगा। देख रहे हैं काफ़ी तेज़ गति से यहाँ पर कार्य चल रहा है और उधर देखिए आपका बालू गिरा हुआ है, देख रहे हैं ना। चलिए आगे दिखाते हैं आपको, देखिए अभी दो लाइन खोला गया है, जब ये दो लाइन कम्प्लीट हो जाएगा तब आगे का देखिए खोला जाएगा दो लाइन और इसे चालू कर दिया जाएगा। हम लोग इस समय वाराणसी सिटी स्टेशन के यार्ड में हूँ, देख रहे हैं ना आपका सामने वाराणसी सिटी स्टेशन है। देखिए इधर आपका पूरा मटेरियल वो गिरा है ना इधर, देखिए इधर देखिए आपका गड्ढा किया गया है,
और देखिए ये सब पूरा मट्टी यहाँ से निकाल के बाहर किया गया जो गड्ढे में से। और सामने आपका गोलगड्ढा कजाकपुर वाला रोड है, देख रहे हैं ना गाड़ी आ जा रही है। ये आपका जो कि गोलगड्ढा चौराहे से थोड़ा सी पहले ही ये रास्ता जो कि टनल का बनेगा। देखिए यहाँ पर नीचे सीट बिछाया गया है, ब्लैक सीट। देख रहे हैं ना यहाँ पर मैन पावर आ गए हैं, काम कर रहे हैं। दोस्तों ये सीधा रास्ता आपका कुनिया विजयपुरा के लिए चला जाएगा। और देखिए ये टनल का जो कि एंट्री गेट बनाया गया है जो कि रेलवे ट्रैक के नीचे से बना हुआ है, देख रहे ना पूरा एकदम सेपरेट एकदम बनाया गया है। देखिए दोस्तों ये ऊपर आपका ये ऊपर रेलवे जाता है, रेलवे का ट्रैक है ऊपर। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं ये आपका कजाकपुरा क्रॉसिंग उस पार चला जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके ठीक सामने कजाकपुरा क्रॉसिंग और उसके ऊपर देखिए ये लोहे का ब्रिज पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, देख रहे हैं। ये आपका जो अंडरपास टनल बना हुआ उसका एग्जिट गेट है जो कि आपका क्रॉसिंग उस पार निकलता है, देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पूरा RCC रोड का पूरा ढलिया किया गया है। और इधर देखिए देख रहे हैं ना दोनों साइड में इसी तरह पूरा लोहे का ये जाली लगाया गया है दोनों साइड। उधर भी देखिए आपका देख रहे हैं ना, और इधर देखिए ये सब जो दुकान देख रहे हैं ना ये सब पूरा घर बना हुआ है, ये सब पूरे तोड़े जाएंगे क्योंकि ये सामने आपका जो टर्नल का एंट्री गेट बना हुआ है ना ये आपका कजाकपुरा क्रॉसिंग पास आएगा। अभी देखिए उसी जगह तक बना है लेकिन ये पूरा वहाँ आगे तक वहाँ तक जाएगा आपका, देख रहे हैं ना। तो चलिए दोस्तों लोग आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं पूरा दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा ऊपर का काम कंप्लीट कर दिया गया है और यहाँ पे देखिए आपका पिलर ओपन ढल के पूरा तैयार हो गया है। देखिए देख रहे हैं ना पिलर ढल के कंप्लीट है, खाली इस पर लोहे का पुल लगना बाकी है। देखिए इधर भी आगे पूरा तैयार है। देख रहे ना इधर बड़ी गाड़ियों का अभी एंट्री नहीं है, अभी खाली बाइक ऑटो यही सब चल रहा है और पैदल लोग जा रहे हैं। देख रहे ना पूरा यहाँ पर एकदम आपका पिलर कंप्लीट है और लोहे का जो पुल बन रहा है ना उसका यहाँ पर कार्य चलेगा और लोहे का पुल का कार्य आपका सर यहाँ मार्केट में शुरू कर दिया गया है। देख रहे ना, और देखिए दोस्तों अब धीरे धीरे यहाँ पर जो पिलर है उनकी हाइट बढ़ाई जा रही है क्योंकि आगे आपका रेलवे पुलिया है उसके ऊपर से ये ओवर ब्रिज जाएगा, देख रहे हैं। देखिए ये सीधा रास्ता आपका तेलियाने फाटक के लिए चला जाएगा और ये वाला आपका सरैया होते हुए आप पुराने पुल के लिए चले जाएंगे, देख रहे हैं ना। यहाँ पर सब लाइनों भी किनारे किया जा रहा है जो देख रहे हैं, और इधर इधर सीवर लाइन का भी कार्य चल रहा है। और देखिये जैसे जैसे पिलर आगे बढ़ रहा है वैसे हाइट बढ़ाई जा रही है यहाँ पर। देख रहे देखिए ये वाला भी पिलर देखिए इसका हाइट बढ़ा दिया गया है।
काफ़ी ज़बरदस्त कार्य चल रहा है, देख रहे हैं ये सब ढलैया वाला पूरा पार्ट से। दोस्तों सभी पिलरों पर नंबर भी दिए गए हैं, देख रहे ना। यहाँ पे देखिए इतना पिलर सब ढला हुआ है, लेकिन देखिए इतना पिलर आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि सामने आपका है रेलवे क्रॉसिंग। और इधर आपका लाट भैरव बाबा का मंदिर है, देख रहे हैं। इधर देखिए आपका लाट सैया बाबा का मजार है। और यहाँ पर देखिए इसमें देखिए यहाँ पर ढलैया का कार्य चल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए लग रहा है ना काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर जो कि पिलर का ढलैया का कार्य चल रहा है। और देखिए यहाँ पर कितना हाइट बढ़ गया, देख रहे हैं ना, क्योंकि देखिए सामने आपका रेलवे पुलिया है और इस पुल के ऊपर से जो कि पुल को गुजरना है, इसीलिए देखिए यहाँ पर हाइट बढ़ाई जा रही है। और देखिए दोस्तों जल्दी यहाँ पर जाम से निजात मिल जाएगा, पहले यहाँ पर ज़बरदस्त जाम लगता था, लेकिन देखिए अब इसमें तो रास्ता बंद किया गया है, लेकिन जब ये रास्ता चालू होगा पूरा कंप्लीट होने के बाद ना, तो यहाँ पे जाम की समस्या खत्म हो जाएगा। और देखिए ये जो पुलिया है ना, और इसको भी देखिए जो कि बनाने का कार्य चलेगा, क्योंकि ये देखिए काफी जर्जर हो गया है। देख रहे हैं ना। और देखिए दोस्तों हम लोग इस समय सरैया में हूँ, देख रहे ये सब पुल का पार्ट से जो कि आ चुका है, देखिए यहाँ पर काम लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर, देख रहे पिलर की ढलैया हो रही है सब, देखिए इधर। और दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देख, ये देखिए पिलर ढाला जा रहा है यहाँ पर। उधर भी देखिए आपका पाइलिंग किया गया है और वहाँ पर पिलर गड़ेंगे, देखिए। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका पिलर की हाइट बढ़ाई गई है। और दोस्तों आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोहे का पुल बनना है उसका कार्य शुरू कर दिया गया है, देख रहे हैं ऊपर देखिए आपका लोहे का जो कि पूरा यहाँ पर पुल बनना शुरू हो गया है, देख रहे हैं। और देखिए सामने आपका यहाँ पर रास्ता भी बंद किया गया है, क्योंकि ऊपर देखिए आपका कार है चला, इसलिए देखिए नीचे का रास्ता बंद किया गया है, देख रहे हैं ना काफी जबरदस्त कार है चल रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, देख रहे हैं। और देखिए काफी गड़बड़ रोड भी है यहाँ पर, देखिए यहाँ आपका जीएसपी तो मशीनों लगा हुआ है। और देखिए इसी मशीन की मदद से जो लोहे के पुल के पाठे ऊपर पहुंचाए जा रहे हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर, देख रहे हैं ना ऊपर आपका, देखिए जो पूरा ये पूरा कंप्लीट कर दिया गया है।
सरैया तिराहे पर पहुंच गया हूँ। देख रहे हैं यहाँ तक आपका डबल पिलर पे पुल बना हुआ है और इसके आगे आपका देखिए सिंगल पिलर पे बनाया गया है, देख रहे हैं ना। और देखिए यहाँ पर इस पिलर को इस पिलर से जोड़ने का कार्य चल रहा है, देख रहे हैं ऊपर। देखिए ऊपर आपका लोहे का पुल बनना शुरू हो गया है, इधर देख रहे हैं ना। देखिए इधर से आपका पूरा सिंगल पिलर पे पुल बना हुआ है, देखिए यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख रहे हैं पूरा सरिया बंडल का बंडल गिरा हुआ है। और देखिए आगे आपका जो आरूबी का स्लोप बनाया जा रहा है जो कि सरिया की तरफ बन रहा है, देख रहे हैं ना पूरा यहाँ पर सरिया का मेट पूरा गिरा हुआ है यहाँ पर। और देखिए इधर यहाँ से आपका स्लोप बना हुआ है जो कि आपका सरैया चौकी तक पूरा ये जाएगा। देख रहे हैं ना, देखिए ये आपका स्लोप बनाया जा रहा है यहाँ पर। देखिए और देखिए अंदर आपका बालू भरा जा रहा है, देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए ये बालू भरा गया है ना, तो बालू से बेस को बनाया जा रहा है, इसके बाद इस पर गिट्टी डाल के रोड बनाए जाएंगे, देख रहे हैं पूरा। आगे ही देखिए आपका है सरैया चौकी, तो यहाँ से देख सकते हैं, देख रहे हैं ना स्लोप बनाया जा रहा है इधर, बालू गिरा हुआ ना, यही सब बालू वहां पर भरा जा रहा है गंगा बालू। और देखिए सामने आपका यहाँ पर सरैया चौकी है आपका है, इसी जगह तक आपका जो कि स्लोप बनाया जाएगा और सीधे आप निकल जाएंगे पुराने पुल होते हुए पोस्टकोची आशापुर के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हर हर महादेव।